एक बीमार आदमी खुद का क्लोन बनाता है ताकि उसके मरने के बाद वो क्लोन उसके फैमिली में उसका जगह ले सके, पर असलियत में वो ये कर पाता है कि नहीं। स्वान सॉन्ग मूवी के इसी कहानी को लेके आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। मूवी में पृथ्वी का वो समय दिखाया जाता है जब साइंस बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुका है। शुरू में कैमरॉन टर्नर को दिखाया जाता है जिसे अपना परिवार से बहुत लगाव था, परंतु कैमरॉन को पता चलता है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसे कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तो वो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है। डॉक्टर स्कॉट नाम की एक डॉक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी जहां वो लोग अपना एक परफेक्ट क्लोन बना सकता था आपके ओरिजिनल मेमोरी के साथ, जो आपके मरने के बाद रियल वर्ल्ड में आपका जगह ले सके। कैमरॉन वहां पर जाता है अपना डीएनए सैंपल देने के लिए, पर उसे ये करना चाहिए कि नहीं इस बारे में वो अभी भी श्योर नहीं है। एक दिन जब कैमरॉन एक मेमोरी सेशन के बाद घर जा रहा था तब डॉक्टर स्कॉट की मैसेज आती है जहां पर डॉक्टर बताती है कि पिछले स्कैनिंग के दौरान पता चला है कि कैमरॉन का शारीरिक स्थिति एकदम खराब हो चुका है और उसे जल्द से जल्द क्लोनिंग के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। पर वो घर लौट आता है। कैमरॉन के लिए ये डिसीजन ले पाना मुश्किल है क्योंकि उसके फैमिली को इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन कैमरॉन डॉक्टर स्कॉट के लैब जाता है और उस जगह को देखता है जहां पर सभी क्लाइंट वेट करता है मरने तक। उसके बाद उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिसमें लिखा था कि कैमरॉन किसी भी वक्त अगर अपना मन बदलता है तो इस क्लोन को जगाया नहीं जाएगा। फिर डेल्टन नाम का एक साइकोलॉजिस्ट उससे मिलने आता है जो कि वहां का मेन टेक्नोलॉजिस्ट भी है और वहां के बाकी का सभी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होता है। उसके बाद डेल्टन कैमरॉन को बोलता है फोन और वॉच के सारे कैमरा बंद कर देने के लिए क्योंकि उसे अब उसके क्लोन के रूम में ले जाया जाएगा। उस क्लोन का लैब नेम था जैक। उसके बाद कैमरॉन जैक को छू के देखता है और वो इस अजूबे को विश्वास नहीं कर पा रहा था, परंतु वो नर्वस हो जाता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करना नहीं चाहता है और अपना घर चला जाता है अपने फैमिली के पास और रोज का अपना रूटीन फॉलो करने लगता है अपनी बीवी पॉपी, बेटा कोरी और डिजाइनिंग जॉब के साथ। उसके बाद कैमरॉन पॉपी और उसके भाई के साथ किया हुआ वो कन्वर्सेशन याद करता है जहाँ पे पॉपी कहती है कि उसे क्लोन से कोई फर्क नहीं पड़ेगी अगर उसे कोई डिफरेंस पता ना चले। इसके बाद कैमरॉन डॉक्टर स्कॉट से फिर से कांटेक्ट करता है। डॉक्टर कैमरॉन को बताती है कि उस क्लोन के अंदर कैमरॉन का हर एक मेमोरी रहेगा, पर वो क्लोन बनाया गया है ये वाला मेमोरी डिलीट कर दिया जाएगा ताकि वो इस दुनिया में इजीली घुल मिल सके। और उस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक क्लोन को बनाया है तो डॉक्टर स्कॉट कैमरॉन को उससे जाके मिलने के लिए कहती है ताकि उसके सब डाउट क्लियर हो जाए। तो कैमरॉन केट नाम की उस क्लोन से मिलने जाता है जो कि एक क्लर्क है, तो वो एक क्लाइंट बन के मिलता है और उन दोनों के बीच एकदम नॉर्मल सी बातें होती है। पर कैमरॉन उस लड़की को या फिर उसके बेटी को ये पता नहीं सकता था कि वो एक क्लोन है। जब कैमरॉन घर लौटता है तब पॉपी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो कैमरॉन रो देता है ये सोच के कि 7 महीने बाद जब उसका बच्चा जन्म लेगा तो वो यहाँ नहीं होगा उसे देखने के लिए। कैमरॉन सोचता है कि पॉपी को सब सच बता दे, परंतु बता नहीं पाता है। उसके बाद वो डॉक्टर स्कॉट को कॉल करता है और बताता है कि वो इस क्लोन टेक्नोलॉजी के लिए रेडी है। फिर वो उस लैब जाता है और असली केट से मिलके बताता है कि वो उसके क्लोन से मिलके आया है। उसके बाद वो पॉपी को कॉल करके बताता है कि काम की वजह से वो एक हफ्ते के लिए घर नहीं आ पाएगा। फिर कैमरॉन को वहाँ का यूनिफॉर्म पहनाया जाता है और 6 घंटे तक उसका मेमोरी उसके क्लोन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। वो प्रोसीड्योर खत्म होने के बाद कैमरॉन उस क्लोन के मेमोरी को चेक करता है ये जानने के लिए कि उसका सारा इम्पोर्टेंट मेमोरी उसके क्लोन के अंदर गया है कि नहीं, जैसे वो पॉपी से कैसे मिला था, उसके फर्स्ट चाइल्ड के मेमोरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा बहुत सारा राउंड चेक करने के बाद उस क्लोन को जगाया जाता है। उस वक्त दोनों को अलग रूम में रखा जाता है और उन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर था कि जैक के हाथ में एक दिल था ताकि वो समझ पाए कौन असली है और कौन क्लोन। एक दिन जब कैमरॉन कोरी के साथ वीडियो गेम खेल रहा था तब अचानक उसका तबीयत खराब हो जाता है और वो सेंसलेस होने से ठीक पहले वीडियो कॉल काट देता है।
दूसरे दिन वो केट के साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहां वो केट को बताता है कि उसे ये सोच के डर लग रहा है कि वो कभी भी मर सकता है। फिर वो फाइनली जैक से मिलता है, देखता है कि वो डॉक्टर जैक से पॉपी के बारे में बात कर रही है। उसके बाद दोनों आमने सामने मिलता है और जैक कैमरॉन को बताता है कि वो इस पूरे प्रोसेस को लेकर नर्वस है। उसके बाद फिर से जैक का मेमोरी टेस्ट होता है और कैमरॉन देखता है कि जैक को सिर्फ वो मेमोरीज ही याद नहीं है बल्कि फीलिंग्स भी सेम है। उसके बाद डॉक्टर स्कॉट जैक और कैमरॉन दोनों को लेकर एक मेमोरी सेशन करती है, वहाँ पर भी जैक पास हो जाता है। फिर वो दोनों एक साथ लंच करता है और देखता है कि दोनों का खाने का पसंद भी सेम है। उसके बाद पॉपी को वीडियो कॉल किया जाता है, परंतु कैमरॉन सिर्फ उस कॉन्वर्सेशन को देख सकता है क्योंकि पॉपी के साथ जैक बात कर रहा था। पॉपी को लगता है कि जैक ही कैमरॉन है, तो असली कैमरॉन गुस्सा हो जाता है और कॉल को काट देता है। उसके बाद वो और जैक झगड़ा करने लगता है, पर कैमरॉन का तबीयत फिर से खराब हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है और कैमरॉन घर जाने का भी और इस क्लोन स्विच को कैंसिल करने का भी सोचता है। उसके बाद जब कैमरॉन घर जा रहा होता है, तभी उसके कॉन्टैक्ट लेंस में कैमरा लगा दिया जाता है ताकि जैक उसके फैमिली इंटरेक्शन को देखकर कुछ सीख सके। परंतु कैमरॉन घर के सामने जाके फिर से सेंसलेस हो जाता है, तो डॉक्टर गाड़ी भेजती है और कैमरॉन को फिर से लैब लाया जाता है। लैब आते ही कैमरॉन फिर से सेंसलेस हो जाता है। तब डॉक्टर स्कॉट डेल्टन को कहती है कि सुबह कैमरॉन की जगह जैक को उसके घर भेजा जाए क्योंकि वो तैयार है। जैक को कैमरॉन का कपड़ा और बाकी एक्सेसरीज दिया जाता है और डॉक्टर स्कॉट बताती है कि जैक को कैमरॉन के फैमिली के साथ 2 हफ्ते का एक ट्रायल मिलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जैक को लैब वापस लाके उसके मेमोरी से सारा क्लोनिंग प्रोसेस को रिमूव कर दिया जाएगा। जैक के कॉन्टैक्ट लेंस में भी कैमरा लगा दिया जाता है मॉनिटर करने के लिए। जब जैक घर जाता है तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक होता है। उन लोगों को समझ नहीं आता है कि ये असली कैमरॉन नहीं है, परंतु कैमरॉन का डॉग उसे पहचान नहीं पाता है और उसे देखते ही चिल्लाता रहता है। दूसरी तरफ कैमरॉन को होश आता है और जब पता चलता है कि जैक उसके घर गया है तो वो गुस्सा हो जाता है। तो डॉक्टर स्कॉट कैमरॉन को बताती है कि वो अब मरने ही वाला है, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद हर वक्त वो जैक का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो में उसके फैमिली को देखते रहते हैं। जैक बीच बीच में अपना कॉन्टैक्ट लेंस उतार देता है तो कैमरॉन उसके फैमिली को देख नहीं पाता था। तब डॉक्टर उसे बोलती है फैमिली को थोड़ा प्राइवेसी देने के लिए। कैमरॉन को एक दिन सपना आता है कि जैक पॉपी को मिसट्रीट कर रहा है, तो वो खुद का एक घड़ी चुराता है और रात में उस लैब से निकल जाता है। फिर अपना घड़ी की मदद से वो एक बोट को एक्टिवेट करके शहर की तरफ जाता है। उसके बाद वो घर पहुंचता है और पहले वो अपना ऑफिस विजिट करता है। वहां पर उसे जैक और पॉपी का कन्वर्सेशन दिखाई देते हैं, जो कि एकदम नॉर्मल था, पर कैमरॉन के आवाज से जैक जग जाता है और बेड से उठकर आ जाता है। जैक बहुत ही दया और समझदारी दिखाता है और कैमरॉन से कहता है कि वो अपना लास्ट नाइट अपने फैमिली के साथ बिता सकता है। उसके बाद जैक अलमारी में छुप जाता है। कैमरॉन कोरी को उठा देता है और किचन में ले जाके एडमम खाना सिखाता है, जो कि पॉपी की फेवरेट स्नैक है। कैमरॉन रो देता है और उसके बाद कोरी को बेड पे सुला के वो खुद के बेड पे आके पॉपी के साथ सो जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को कडल करते हैं और जब पॉपी सो जाती है तब कैमरॉन जाके जैक से कपड़े बदल लेते हैं। जाने से पहले कैमरॉन जैक के साथ हैंडशेक करता है और थैंक्स बोलता है। उसके 2 हफ्ते बाद डॉक्टर स्कॉट कैमरॉन को बताती है कि जैक की क्लोन बनने का मेमोरी पूरा डिलीट कर दिया गया है, अभी जैक पूरा कैमरॉन बन गया है। पर जैक का क्लोन मेमोरी डिलीट होने से पहले वो कैमरॉन के लिए एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करता है। उस वीडियो में जैक पॉपी को कहता है कि वो उसे कितना प्यार करती है ये उसके आँखों में देख के बताए। उस वीडियो को देख कर कैमरॉन इमोशनल हो जाता है और रो देता है। और इसी के साथ ये मूवी यही पर खत्म होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक कपल मगरमच्छ के साथ एक 6 मीटर गहरा स्विमिंग पूल में फंस जाने के बाद क्या होता है, तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।